थ्री टू द पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10, देन व्हाट इज द रिमाइंडर। ऐसे प्रॉब्लम लगभग प्रीलिम्स में देख रहा हूँ हर साल पूछा जा रहा है। अभी 23 में भी ऐसा एक प्रॉब्लम था, तो इसका जो डिस्कशन है हमने उस वीडियो में भी किया हुआ है। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जैसे मान लो कोई भी नंबर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया जाता है, इसका ये पावर कुछ भी लिख सकता है। जैसे यहाँ पे 19 लिखा हुआ है 2000, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो बेस होगा इसी को आपको इस नंबर से डिवाइड करना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करें तो 3 को आप 10 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, मतलब रिमाइंडर ये 3 रहेगा। मतलब ये रिमाइंडर 3 2019 टाइम्स आपका आएगा। या तो आप उसको 2019 टाइम्स फिर से ऐड करके और 10 से फिर डिवाइड करके रिमाइंडर चेक करो, या फिर हम इसको चेक कैसे करते हैं कि जो ए एक्सपोनेंट लिखा हुआ है 2009, इसी को आप पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर दो बेस को चेंज करके, तो बड़े आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो अभी मैं आपको दो तीन तरीके से इसके बेस को चेंज करके और इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, आपको जो भी अच्छा लगेगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें जनरली करते क्या। अब जैसे यहां समझिए, अगर हम इसको लिख दें 3 to the power 4, इस 3 को हम 3 to the power 4 लिखना चाहते हैं, तो अब यहाँ पे जब पावर 4 कर दोगे तो यहाँ की जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 504 और आपके जो 3 होंगे वो 3 एक्स्ट्रा बच जाएंगे, इसलिए साथ में मल्टीप्लाई 3 to the power 3 लिखते हैं। ऐसे मतलब 4 से हमने इसको पूरा डिवाइड किया हुआ है, तो 504 टाइम्स से पूरा डिवाइड हो गया, 3 रिमाइंडर आ गया, इसलिए 3 की पावर 3 अलग से आ जाएगा। ये जो भी एक्सपोनेंट समझते हैं उनको अच्छी तरीके से पता चल रहा है कि मैंने लिखा क्या है। अब ये 3 to the power 4 का मतलब क्या हो गया, 81। और 81 करने से आपको बड़ा अच्छा फायदा एक हो गया कि जब 81 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, मतलब अब इसकी पूरी वैल्यू हो गई 1 to the power 504 और इंटू 3 की पावर 3। अब इस नंबर को चेक करना है आपको 10 से डिवाइड करके कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस 1 का मतलब तो 1 ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 3 के पावर 3 का मतलब हो गया 27, और 27 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 7, यानी इसका आंसर 7 है। तो आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का 2 सबसे बेस्ट मेथड होता है। आप पावर को ज्यादा से ज्यादा बड़े फॉर्म में लिखो यहाँ पे, तब ये जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इस स्टेप कम यूज करने पड़ेंगे। या फिर आप ऐसा कोई नंबर बना दो जिसका रिमाइंडर 1 आ जाए, किसी की वजह से 1 आ जाए, तो सारे पावर एक ही बार में सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी लिखोगे तो नंबर 1 आता है। तो इसी 2 में से जो भी आपको अच्छा लगेगा उसी ट्रेंड में आपको चलना है। अभी यहाँ पे पावर चेंज हम 4 की जगह कुछ और करके आपको बता रहे हैं कैसे इसका आंसर दूसरे वे में यही आएगा। अब जैसे जहां पे पावर 4 लिखा था वहां पे हम पावर 3 लिख रहे हैं, तो चलिए पावर 3 लिख दिया। अब जब पावर 3 लिखोगे तो 2019 को आपको 3 से डिवाइड करने पड़ेगा, तो यहाँ पावर क्या आ जाएगा, 18, यहाँ पे 21 हो गया, तो 7 जा और 3 जा, ये भी पूरा डिवाइड हुआ है। अभी 3 की पावर 3 का मतलब हो गया 27, और 27 का मतलब हो गया जो रिमाइंडर यहाँ पे आएगा वो 7 आएगा। तो अब ये 7 रिमाइंडर 673 टाइम्स आता रहेगा, तो इसको आप ऐसे लिख दो। अब फिर इसकी पावर को चेंज कर दो, तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अब 7 के पावर 2। जब 7 के पावर 2 लिखोगे तो आपको फिर ये पावर चेंज करना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 7 बच जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 1 7 लिख दो। अब इस 7 के पावर 2 का मतलब हो गया 49, और 49 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 9, यानी कि अब इसको लिख सकते हो रिमाइंडर 9 के पावर 336 और मल्टीप्लाई 7 1 है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो अब यहाँ पे हम फिर लिख देते हैं 9 के पावर 2, 9 के पावर 2 लिखोगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 इंटू 7। अब ये 9 के पावर 2 का मतलब हो गया 81, और 81 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, मतलब अब ये वैल्यू हो गई 1 to the power 168 और इंटू 7। अब 1 की पावर 168 का मतलब तो हो गया 1, और इंटू 7 करोगे तो आ जाएगा आपका 7, और 7 को 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 7, इसलिए आंसर 7 है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो जो 3 के पावर हम यहाँ पे 3 4 लिख रहे हैं तो और बड़ा कोई पावर यूज करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा। तो जैसे इसका हम एक दूसरा पावर ले लेते हैं, अब हम 3 का पावर 5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 के पावर 5, और जब 3 के पावर 5 लिखोगे तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5 4 जा 20,
जीरो, फाइव थ्री जा 15, 4 बच जाएगा, तो 3 की पावर 4 अलग लिख देते हैं। और हमेशा याद रखना, जब भी हम रिमाइंडर निकालने जाते हैं तो जो कुछ भी हम बेस में लिख रहे हैं ये रिमाइंडर है। जैसे यहाँ पे 3 की पावर है, 3 को 10 से डिवाइड करोगे 3 रिमाइंडर है। अब ऐसे 3 के पावर 5 का मतलब कितना होता है, 243, और 243 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, मतलब अभी भी इसका रिमाइंडर 3 है। इसको आप लिख सकते हो 3 के पावर 403 * 3 के पावर 4। अब इसको फिर हम 3 के पावर 5 लिख देते हैं, तो 3 के पावर 5 लिखेंगे तो अब आपको पावर लिखना पड़ेगा, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 5 8 * 40, यानी 80 हो गया। तो अभी 3 के पावर 3 यहाँ पे बचेगा, तो 3 के पावर 4 पहले से था, 3 के पावर 3 और बच गया। इसको लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब 3 के पावर 80, 3 के पावर 5 का मतलब फिर यही आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 80, 3 के पावर 4, 3 के पावर 3। अब इसको फिर लिख दो 3 के पावर 5, तो हो जाएगा 16, 3 के पावर 4, 3 के पावर 3। अभी हो गया 3, इसका रिमाइंडर 3 आएगा, और ये 16, 4, 20 और 3, 23, इसको लिख सकते हैं 3 के पावर 23। और फिर इसको पावर 5 के फॉर्म में लिख दो, इसको लिख सकते हो 3 के पावर 5, और पावर आ जाएगा 4 * 3 के पावर 3। अब इसका रिमाइंडर 3 आएगा, तो इसको लिख सकते हो 3 के पावर 4 और 3 के पावर 3, मतलब 3 के पावर 7। फिर इसको 3 के पावर 5 के फॉर्म में लिख दो, तो एक बार में तो 5 लिख दोगे और 3 के पावर 2 अलग से अलग, तो इसका रिमाइंडर हो गया 3, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3 3 9, मतलब नंबर पूरा अभी आपके पास बचा है 27, जिसको 10 से डिवाइड करना है। तो इसको 10 से डिवाइड करोगे क्या होगा, फिर आपको आंसर वही मिलेगा 7 रिमाइंडर। तो हर कंडीशन में आप चाहे जैसे सॉल्व कर लो, रिमाइंडर जो होगा आंसर वही आता रहेगा। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर होगा सी, मीन्स 7। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो ऐसा कोई भी आपके पास दूसरा प्रॉब्लम होगा तो उसको आप इसी मेथड से ट्राई कर सकते हो। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन होता है या फिर सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट करो, हम उस प्रॉब्लम को आपको इसी मेथड से सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।